Hello and welcome to TV का पटाका, your one-stop destination for all entertainment news. दोस्तों, नागिन 6 में प्रथा ने अपनी शक्तियों को गवा दिया है. प्रथा शेष नागिन बेशक नहीं रही, लेकिन अपनी शक्तियों को गवाते हुए, अपनी शक्तियों को भोलेनाथ को देते हुए प्रथा ने सबसे बड़ी चाल चली है. क्या किया है प्रथा ने, चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टीवी का पटाखा थी. पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं. दोस्तों, नागिन 6 में प्रथा अपने पति से धोखा खाने वाली है, यानी कि ऋषभ के रूप में एक भैरूपिया प्रथा को धोखा देता हुआ नजर आएगा. वो प्रथा के सामने शर्त रखेगा. जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथा ने ये प्लान कर लिया है कि वो ऋषभ को अपनी सच्चाई बताएगी और बता देगी कि वो एक शेष नागिन है. और ये बात महक को भी पता है कि प्रथा ये कदम उठाने वाली है. और ऐसे में पहले ही महक ऋषभ को गायब कर चुकी है और ऋषभ की जगह उसके हमशक्ल को, उसके जुड़वे भाई को भेज चुकी है. यहाँ पर प्रथा जैसे ही ऋषभ को बताएगी कि वो शेष नागिन है, तो ऋषभ कहेगा उससे कि तुम्हें अपनी शक्तियाँ त्यागनी होगी, तभी मैं तुम्हें स्वीकारूंगा. और प्रथा आप देखेगी नताव पहुँच जाएगी भोलेनाथ के सबसे बड़े मंदिर में, यानी कि केदारनाथ में. उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच प्रथा ना सिर्फ बर्फ पे नृत्य करेगी, बर्फ पर तांडव करेगी, बल्कि आग के साथ भी खेलेगी. क्योंकि पूरी कायनात ये चाहती होगी, भोलेनाथ ये चाहते होंगे कि प्रथा ये कदम ना उठाए. फरिश्ता भी प्रथा को समझाएगा, लेकिन प्रथा उनमें से किसी की भी एक ना सुनेगी और अपने प्यार के लिए, अपने सुहाग के लिए, अपने ऋषभ के लिए अपनी शक्तियों को त्याग देगी. लेकिन जब प्रथा अपनी शक्तियों को त्याग रही होगी, तब उसे बात याद आएगी अपनी माँ की और प्रोफेसर की. जी हाँ, प्रोफेसर ने प्रथा को बता दिया है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है. लेकिन तब प्रथा को नहीं पता था कि सबसे बड़ा संकट तो खुद उसकी बहन और उसका पति बनेंगे. खैर, ऐसे में प्रथा को अपनी माँ की भी बात याद आई और माँ ने ये बताया था कि जब भी कोई शेष नागिन अपनी शक्तियों को त्यागती है, तो उसकी सारी शक्तियाँ उसकी मणि में एकत्रित हो जाती हैं. ये आप सभी को पता है कि शेष नागिन एक मणिधारी नागिन है और उसकी सारी शक्तियाँ उसकी नाभि में हैं, उसकी मणि में हैं. और ऐसे में प्रथा अपनी मणि को निकाल कर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के नीचे रख देगी, उस शिवलिंग के नीचे जिसको कोई हाथ तक नहीं लगा सकता. और ये बात वो किसी को भी नहीं बताएगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो मणि किसी के हाथ लग गई, तो वो इंसान ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा और ऐसे में तबाही भी आ सकती है. पर हाँ, प्रथा अपने शरीर में उस मणि को दोबारा धारण नहीं कर सकती. उस मणि को अगर उसे दोबारा धारण करना है, तो उसके लिए आना पड़ेगा सबसे बड़ी नागरानी को. वेल दोस्तों, अब ऐसे में महक को तो मणि हासिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि सिर्फ प्रथा ही जानती है कि मणि कहाँ है. आप क्या कहेंगे इस पर, इस ट्विस्ट पर, हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं. वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें.